बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके यूपी की योगी और मध्य प्रदेश की कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कमलनाथ सरकार के जरिए गो हत्या के शक में मुसलमानों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने पर सवाल खड़ा किया और साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 14 छात्रों पर देशद्रोह के केस लगाए जाने पर योगी सरकार की निंदा की। मायावती ने दोनों मामलों को सरकारी आतंक करार देते हुए कहा कि इन दोनों कार्रवाइयों से साफ है कि कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस की एमपी सरकार ने पूर्ववर्ती बीजेपी की तरह गो हत्या के शक में मुसलमानों पर रासुका के तहत बर्बर कार्रवाई की। अब यूपी की बीजेपी सरकार ने एएमयू के 14 छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। दोनों सरकारी आतंक हैं व अति निंदनीय है। लोग फैसला करें कि दोनों में क्या अंतर है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही कमलनाथ सरकार ने गो हत्या के शक में 4 मुस्लिम युवकों पर रासुका लगाया था, जिसके बाद कमलनाथ सरकार के इस कदम की आलोचना की गई थी। वहीं दूसरी तरफ एएमयू का मुद्दा अभी चल रहा है, जहां योगी सरकार ने 14 छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद से लगातार एएमयू समेत कई विश्वविद्यालयों में इसका विरोध जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।